तो कैसे आप लोग, यार आशा करता हूं काफी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में क्या होने वाले हैं दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, आपको पीसी लैपटॉप सारे कीबोर्ड का इंफॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपको दूंगा। और दोस्तों जो लोग नए हैं ना, और मतलब कीबोर्ड का इंफॉर्मेशन जो भी नॉलेज नहीं जानते हैं, आप अपने लैपटॉप के मतलब जो भी कीबोर्ड प्रेस करना है वो प्रेस करो, ठीक है, तो ध्यान से करो। और दोस्तों माइक की चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, और जो लोग नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और लाइक करो और एक अच्छी कमेंट करो। तो चलो यार मैं मतलब लैपटॉप की कीबोर्ड की पूरी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, चलो यार। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने क्या काफ़ी सारा भाई को प्यार दिया पिछले वीडियो में, तो चलो आज ना आपके लिए मैं बेस्ट ऐप लाऊं, और जिसका नाम है हेलो। दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपने देखा ही होगा कि दोस्तों हम आपको कंप्यूटर की सारी कीबोर्ड की इन्फॉर्मेशन आप देने वाले हैं, ठीक है, ओनली 5 मिनट में। तो वीडियो को जो भी ना ध्यान से देखना, और जो लोग नहीं हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, के 1K सब्सक्राइब भाई भाई को कर दो, ठीक है। तो चलो यार सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो मेन कीबोर्ड का मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। अब बिना सोचे समझे मतलब कोई भी की प्रेस मत कर देना, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। तो सबसे पहले जो आते हैं ना, यहाँ पे इंटर दिख रहा होगा आपको, देखो फुल अमन दिख रहा है। अब ये देखो इंटर का बटन है, अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ। देखो मैंने इसको क्लिक किया, एक स्पेस नीचे आ गया, ठीक है, पहले यहाँ पे था, अभी मैं फिर लिखूंगा ना कुछ ही तो नीचे लिखाएगा वहाँ पे नहीं। अब 1 2 3 ये सब तो आपको पता ही होगा, नंबर लॉक ये सब पता है, ठीक है, ये नंबर लॉक है, ठीक है। अभी आते हैं पेज, अब ये अपने फाइल्स में आ गया, फोटो के फाइल्स में, ठीक है। अब देखो पेज डाउन हम क्लिक करते हैं, पेज डाउन में प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, देखो फोटो क्रॉस हो रहा नीचे ना, मतलब अब कोई भी फोटो, अब देखो पेज अप करते हैं, ठीक है, पेज अप पे क्लिक करते हैं, देखो फोटो नीचे आ रहा, मतलब आपको माउस का की ना मतलब प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अब माउस के की से मतलब यहाँ जाओगे, अब यहाँ फिर क्लिक करोगे, मुझे यहाँ पता है ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे नहीं करने का यार, यहाँ क्लिक करोगे इससे नहीं, आपको यहाँ से करना है, ठीक है, पेज डाउन करना है इससे, ठीक है, ये क्लिक करते रहोगे, ठीक, क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी देखो जैसे मैं होम क्लिक किया ना, तो मतलब मैं होम पे आ जाता हूँ, देखो मैं यहाँ होम है ना, मतलब ये होम है हमारे मतलब फाइल्स का, तो मैं अपने फाइल्स के आ जाता हूँ, ठीक है। जैसे एंड पे क्लिक करता हूँ ना, देखो लास्ट मतलब लास्ट फोटो कहाँ है मेरा, तो लास्ट फोटो मेरा ये है, आपको दिख रहा होगा, तो मैं लास्ट फोटो पे आ जाता हूँ, ठीक। तो होम और एंड का यूज़ हम उस टाइप में कर सकते हैं जब हम किसी साइट पे बहुत अंदर चले जाते हैं, हमको होम में आना होता, तो जैसे हम होम पे क्लिक करते हैं तो होम पे आ जाते हैं, एंड का जैसे क्लिक करेंगे तो हम लास्ट में चले जाते हैं, यही साइट कहाँ ख़त्म होती है, ठीक है। इंसर्ट और डिलीट का आपको पता ही होगा, करेंगे ना मतलब तो कोई भी चीज़ इंसर्ट हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको डिलीट का पता ही होगा, अब जैसे कोई भी हम फोटो सेलेक्ट करते हैं, चलो मान लो ये डिलीट हो जाएगा 1 सेकेंड में, अभी देखो डिलीट हो गया ना, मतलब फोटो नहीं है वहाँ पे, ठीक। ये कीबोर्ड से ना मतलब आप एक क्लिक में कोई फोटो को डिलीट कर सकते हो, के लिए अब जैसे मैं पॉज क्लिक करता हूँ ना, ये स्क्रीन रुक जाएगा, ठीक, ये करने से हमारा स्क्रीन लॉक हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अमन जैसे ये वाला इंटर में प्रेस करता हूँ, देखो अब वो एक लाइन से दूसरे लाइन में आ जाता है, ठीक। उसके बाद जैसे हम बैक स्पेस, देखो बैक स्पेस पे जैसे क्लिक करते हैं ना, तो मतलब फिर वो लाइनिंग में चला जाता है, ठीक। और उसके बाद आपको मेन बता देते हैं, ये शिफ्ट है, ठीक है, शिफ्ट का हम उपयोग कर रहे हैं ना, अभी मैं प्रेस किया हूँ, ठीक है, वैसे मैं प्रेस करता हूँ तो अब दिख सकता है कि छोटा है। अब जैसे शिफ्ट के साथ, अभी देखो शिफ्ट है, अभी मैं एम प्रेस करूँगा, देखो पूरा एम दिख रहा है, मतलब बड़ी मतलब कोई भी चीज़ को बड़ा करना हो ना कैपिटल लेटर, तो एम इस तरीके से अब यूज़ करना, ठीक है, शिफ्ट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये कंट्रोल का आपको पता ही है, कंट्रोल पी पे जैसे क्लिक करते हैं ना दोस्तों, देखो हमारा प्रिंटर खुल जाता है। तो ये फार्मूला शॉर्टकट की होता है, शॉर्टकट की भी अगर देखना है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करो, तो मैं वो भी बताऊंगा। तो कंट्रोल का हम उपयोग यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, हम आ जाते हैं फिर अपने पेज पे, ठीक। इधर भी है ना अल्ट है, अल्ट का अल्ट इधर भी है, देखो कंट्रोल
अल्ट का उपयोग करते हैं ना हो कोई भी शॉर्ट की के लिए हम अल्ट प्रेस करते हैं। ठीक, विंडोज का हम उपयोग कहाँ करते हैं, शॉर्ट की। अब देखो शिफ्ट जेड, अब जैसे मैं शिफ्ट जेड दोनों क्लिक करता हूँ तो हमारा जेड जो है कैपिटल लेटर में आ जाएगा। ठीक, देखिए आपको कैपिटल लेटर में आ गया। ठीक, अब कैप्स लॉक कब करते देखो, आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता है, ये ए बी सी डी। अभी देखो ये देखो, अब यहाँ पे मतलब छोटा ए है तो इसको शिफ्ट है, ये शिफ्ट प्रेस करो और जैसे टू को दबोगे ना तो ये देखो ए आ गया। ठीक है, अब देख सकते हो मतलब वो आप प्रैक्टिस कर लेना, उसे हो जाएगा। ये इफ सब है, कोई भी मतलब फाइल से होम पे आने के लिए इफ सब हम दबाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे वर्क नहीं करता है, कुछ कुछ फाइल पे वर्क करता है। ठीक है, वन से म्यूजिक, F2 से साउंड माइनर, F3 से साउंड प्लस, F4 से साउंड म्यूट। ठीक है, F5 से वीडियो को मतलब आपको पीछे ले जाना लेफ्ट, F6 से राइट, F7 से फिर राइट आगे प्रेस करना है, F8 से अपने विंडोज शॉर्ट में आ जाना, जैसे F8 करते हो ना तो विंडोज शॉर्ट में आ जाओगे। ठीक है, F9 से देखो, F9 जैसे आप क्लिक करोगे ना तो कोई भी वेबसाइट के लिए, ये एक वेबसाइट है। F10 जो है दोस्तों देखो, F10 जो है मैसेज के लिए है, F11 भी मैं बता देता हूँ, F11 जो है अपने कीबोर्ड को शॉर्ट बनाने के लिए, जैसे विंडोज़ को, जैसे कोई भी पेज को शॉर्ट बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने तो मतलब सारा कीबोर्ड मतलब आपको समझ में आ गया होगा भरपूर। अब ये तो आपको मैं समझा दिया हूँ कि ये इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मैं भी अब समझा देता हूँ। इसका मतलब है दोस्तों ऊपर नीचे करने के लिए, देखो इससे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, देखो इससे, लेकिन एक एक जाओगे। ठीक है, एक एक जैसे देखो माउस से जाते हो ना, अभी देखो इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसका तो आप समझ ही गए हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे वीडियो में जो कि अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।